देखते हैं कि जब सुलेमान मरा, उसके बेटे ने राज करना शुरू किया, और उसके बाद कोई राजा अच्छा करता था, कोई राजा बुरा करता था। जब वो अच्छा करता था तो इज़राइल पनपता था, जब वो बुरा करते थे तो दूसरे राजा उन पर हमला करते थे। हुआ क्या तब? तब ये हुआ कि परमेश्वर का क्रोध, जैसे एक सजा परमेश्वर ने दी, तूने गलत काम किया, जा दरवाजे के बाहर जाके मुर्गा बन जा, जैसे जैसे टीचर्स बोलते, मुर्गा बना दिया, बाहर खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके जैसे स्कूलों में होता, खड़ा कर दिया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, एक सजा मिल गई, ओके, आपको सजा दे दी गई, पर परमेश्वर ये सजा देता रहा उन्हें, और उन्हें राजाओं के अधीन करता रहा, विरोधी राजाओं के अधीन करता रहा, उनकी ब्लेसिंग्स को कम करता रहा, लेकिन उनको त्यागा कभी नहीं। और परमेश्वर उन्हें मौका देता रहा कि मन फिराओ, अभी भी मन फिराओ, अभी भी मन फिराओ। और बाइबल ऐसा कहती, परमेश्वर ने एलिया को इसी दौरान भेजा, अलीशा को इसी दौरान भेजा, लोगों के ऊपर उन्होंने साबित किया आसमान से आग उतार के कि परमेश्वर सच्चा है और तुम इसी परमेश्वर की आराधना करो। बहुत से मिरेकल्स हुए, नमान कोड़ी के जैसे, सारपत की विधवाओं के जैसे, शुनेम वासी औरत के बेटे को मिलना, फिर उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करना। सो मैनी मिरेकल्स इन द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, सो मैनी, इतने मिरेकल्स थे कि ये काफी थे लोगों को विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर जीवित है और हमें मन फिरा के अब परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। पर बाइबल इस तरह से कहती, इतने बड़े चमत्कारों को देखने के बाद भी, कि इतने समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, बहुत से कार्य उन्होंने देखे होते हुए, पर आप क्या जानते, इतने कामों के होने के बाद भी उन्होंने मन नहीं फिराया। और जब राजा बुरा आता था तो सब लोग उसी बुरी चाल पे चलते थे, उन्हीं देवियों के, बाइबल कहती है कि अशेरा के पीछे चलते थे, उन्हीं मूर्तों के पीछे चलते थे, उसी व्यभिचार को करते थे। और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं कब तक इनको सजा दूंगा, इनको अब मन फिरा लेना चाहिए। अब हुआ क्या? अब जैसे बोलते हैं कि अति हो गई, एक स्टूडेंट को हमने सजा दी कि चल मुर्गा बन जा, अब वो मुर्गा बनने से भी बाज नहीं है, आपको बोला चल भाग जाओ ग्राउंड में, हाथ ऊपर करके चक्कर लगा, अब हाथ ऊपर करके चक्कर लगा लिया, उसके पेरेंट्स को बुला लिया, उसको समझा लिया, उसको बड़ी सजा दे दी, एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, अगर वो फिर भी नहीं सुधरा तो क्या किया, उसको स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया, निकाल दिया। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, ये लास्ट राजा है बाइबल का। इसके बाद बहुत से राजा हुए होंगे, लेकिन ये दूसरा राजा का अंत है। जब सिदकिया राजा हुआ, बाइबल कहती इसने मन नहीं फिराया और इसने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। जब बेबीलोन के राजा से बलवा किया तो सिदकिया के पास यहोवा के कुछ नबी रहते थे, और बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो यहोवा के नबी करप्ट थे, पर्सनल गेन के लिए खड़े हुए थे, सिर्फ राजा को पॉजिटिव मैसेजेस देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे, तुम बरकत पा जाओगे, तुम आशीष पा जाओगे, सब कुछ खुलने वाला है, सब रास्ते खुल जाएंगे, इस तरह से। पर राजा को रिपेंटेंस का मैसेज उन्होंने कभी नहीं दिया, और जब रिपेंटेंस का मैसेज राजा को नहीं मिला तो राजा जब बेबीलोन के राजा से लड़ने के लिए गया और बलवा करने के लिए गया, तो राजाओं को यह मालूम होता था कि जब किसी दूसरे राजा से लड़ना है तो वो यहोवा के नबियों से पूछते थे, और बाइबल कहती यर्मिया नबी से वो कभी नहीं पूछता था, खुदावंत के सच्चे नबी जो थोड़े होते थे उनसे वो कभी नहीं पूछता था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हमेशा रिपेंटेंस की बात करेगा, ये तौबा की बात करेगा, ये पवित्रता की बात करेगा, हमने इससे बात ही नहीं करनी, हम उससे बात करेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव बोलता है, जो ब्लेसिंग्स के मैसेज देता है, हम उससे बात करेंगे। और जब उन नबियों से बात की गई, उन्होंने कहा राजा चिंता मत कर, खुदावंत बड़े काम करने जा रहा है तेरे जिंदगी में, बड़े काम करने जा रहा है। और वो जब बेबीलोन के राजा से लड़ने के लिए गया, जब बलवा किया तो बेबीलोन के राजा ने नगर घेर लिया, नगर जब घिरा तो सारी सप्लाई चर्च आनी बंद हो गई, नगर में फूड सप्लाई, चीजों की सप्लाई, कपड़ों की सप्लाई सब बंद हो गया, और लिखा महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग भागने लगे, और शहर पनाह में दरार की गई, क्योंकि यरूशलम के चारों ओर शहर पनाह थी, उसमें दरार करके राजा अपने लोगों समेत भागा, लेकिन दूसरे लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने राजा का पीछा किया, पीछा करके उसे पकड़ा और बेबीलोन के राजा के उन्हें पकड़ा के अधीन कर दिया, उसके बेटों को खत्म कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ डाली गई। और बाइबल कहती यरूशलम की शहर पनाह, जो हम सुनते हैं नहेमिया की पुस्तक में, आप जानते नहेमिया ने वो शहर पनाह बनाई थी, और जब वो शहरपनाह कब नाश की गई, इसी सिदकिया राजा के टाइम पे, और बाइबल कहती बड़े घरों को उन्होंने आग लगा के फूंक दिया, यहां तक कि
परमेश्वर के भवन को भी आग लगाकर फूंक दिया गया। ये वो टाइम था जब परमेश्वर ने अपने स्टूडेंट्स को मान लो निकाल दिया, रस्टिगेट कर दिया। वो विलंब करने में धीरजवंत है, बाइबल कहती है। उसने धीरे धीरे सजा दी उनको, उनको सजा दी, उनको बताया देखो तुम अंडर हो गए हो, तुम मुश्किल में आ गए हो, तुम दुखी हो गए हो, तुम दूसरे राजाओं के नीचे आ गए, तुम्हारी जिंदगी दुखी हो गई, तुम्हारी जिंदगी ऐसे होने के लिए मैंने तुमको अपने पास नहीं बुलाया। लेकिन वो लोग जब नहीं सुधरे और डाउन और डाउन, और अब ये वर्स्ट कंडीशन थी कि अब परमेश्वर के लोग दूसरे देश में थे, अपने देश में अधीन नहीं थे कि हम हैं अपने देश में अपने घरों में, लेकिन दूसरा गवर्नमेंट चेंज हो गया, बाहर का राजा प्रभुता करता है, हाँ ठीक ठीक चल रहा है, सब ठीक है। पर अब लिखा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया, और जब लोगों को बंदी बना के ले जाया जाता था तो कौन से काम वो करते थे? ईंटें बनाने का काम, दुखी करने वाला काम, जो काम दुखी होने वाले थे। अगर आप अरब कंट्रियों में चले जाओ, आपको वहां कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको शेख नहीं मिलेगा, बहुत कम होंगे। सारे शेख आपको इमिग्रेशन में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, डिपार्टमेंट में मिलेंगे, सरकारी कामों में मिलेंगे। और उसी तरह से यहूदी थे, वो अपने देश में बड़े कार्य करते थे, लेकिन जब उनको बंदी बना के ले जाया गया तब वो कार्य करने लगे जो उनके अनुकूल नहीं थे। और रीजन क्या था? मन ना फिराना। हम फिर पढ़ेंगे इस मन फिराने के शब्द, जी 3340, इसको हम पढ़ेंगे अभी फिर से। इसमें लिखा टू थिंक डिफरेंटली। रिपेंट शब्द बाइबल में चार तरह का यूज किया गया। एक बार इसको यूज किया गया ठंडी सांस भरना, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना, ये परमेश्वर भी ऐसा करता है, सॉरी फील करता है कि नहीं अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा। दूसरी बार यूज किया गया कि मलाल महसूस करना, फिर यूज किया गया केयर आफ्टरवर्ड्स, कि तौबा करने बाद केयर करना कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा। परमेश्वर की ओर वापिस मुड़ना, इसको भी यूज किया गया। इसका मतलब क्या? मैंने आपको इसलिए मैं चीजें कह रहा हूं, मन फिराओ, क्योंकि आज अगर मुसीबतों का कोई कारण है तो वो पाप। अब इज़राइल के लोगों को लगता था अब हमारा राज्य कम हो गया, हमारी बरकतें कम हो गई। इंडिविजुअली उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, बड़े अकाल वो फेस करते थे, बड़े राजाओं का, दूसरे राजाओं का वो युद्ध फेस करते थे। जब युद्ध होता था तो उन्हीं के लोग मरते थे, सैनिक मरते, बहुत सी चीजें उनकी लाइफ में हो रही थी, पर फिर भी मन नहीं फिराया। और जैसे गधे जाते हैं कि गधों की तरह चलते गए, लिखा जैसे मूर्ख, जैसे जैसे बकरा कसाई के हाथ में गधों की तरह घास चरता हुआ बेफिक्र जाता कि घास मिल रही, कहता उसी मूड की तरह तुम मत बनो। और रिकंसीडर योरसेल्फ, कहता कंपंक्शन यानी मलाल फील करो और रिपेंट करो, थिंक डिफरेंटली और वापिस आ जाओ। क्यों? जब इन लोगों ने सजा ली, एक सजा के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, फिर भी ये सुधरे नहीं, और बाइबल कहती परमेश्वर इतना नाराज हुआ कि उसने अपने भवन को फुकवा दी, उसने यरूशलम का सारी महिमा मिट्टी में मिला दी, उसकी शहरपना जिसकी बातें होती थी उसको गिरा दिया, उसके फाटक जला दिए गए, बड़े घर जिसे फार्म हाउस, कोठियां बड़ी बड़ी किसी शहर की, सुंदर सुंदर घर बड़ी कोठियां जला दी गई, लोगों को ले गए, सिर्फ गरीब लोगों को वहां रख दिया कि भाई तू दाग की बारी की रक्षा करेगा, तू ये फलों का बाग है इसकी रक्षा करेगा, तू ये खेत में मजदूरी करेगा और इसकी इसकी फसल हमें देगा। और सब रईसों को वो ले गए। अगर वो मन फिराते तो ये कभी ना होता। उनको लगता था अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, अच्छा मैं पाप कर बैठा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली ट्रबल है, अब लेकिन इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती उससे बुरा हुआ कि वो सब लोग सारी महिमा को मिट्टी में मिलता हुआ उन्होंने देखा, यरूशलम की, अपने पुरखाओं के इतिहास, खुदा का आशीष पाया हुआ, उसका उसका बादल पाया हुआ, उसकी हुजूरी पाया हुआ भवन परमेश्वर ने खुद अलाउ किया कि वो खत्म कर दिया जाए। वहां के सब सोने और चांदी के बर्तन ले लिए गए, और यहां तक भी कि शहरपनाह, उसके बेड़े, उसके फाटक, उसके पल्ले, उसकी उसकी चार दीवारी, उसके बड़े घर, परमेश्वर का घर, सारा कुछ फूंक दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। आप जानते हैं यूहन्ना ने कैसे शुरू किया अपना प्रचार? मन फिराओ। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शुरू किया अपने प्रचार को? जब यीशु मसीह ने पहली बार प्रचार किया, मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा? मन फिराओ। ये कोई मन फिराने का
प्रचार जो पास्टर्स लोग और खुदावंद के लोग जो करते हैं, ये इसलिए नहीं कि आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए, इसलिए नहीं कि आप बोर हो जाओ, आप वो व्हाइट कपड़े डाल लो, पहाड़ों में चले जाओ, को दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं। नो, इसलिए कि जो नाश शैतान ने आपके लिए सोचा है, आपकी फैमिली का, आपके फाइनेंस का, परमेश्वर उसको आपको बचाना चाहता है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। उस समय से यीशु ने यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराने के लिए क्यों परमेश्वर ने बार बार बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, और ऐसी डिस्ट्रक्शन हो जिसको काबू करना मुश्किल हो जाए, जिसको कवर करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है, परमेश्वर उसे सजा देता है। वो सजा थोड़ी होती, परमेश्वर चाहता है कि ये सजा को देखे और वापिस मुड़ाए। वो आपको नाश नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में नहीं है या परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो आपके दायरे को कम करता है, लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो एंड परमेश्वर के पास और कोई तरीका नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहराया जाएगा और अनंत विनाश को वो भोगेगा। वो यहां भी शुरू होगा विनाश और वहां भी। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है और मन फिराता है, वो सिर्फ स्वर्ग का जीवन नहीं पाता, वो अनंत जीवन तो पाता ही है जो सबसे उत्तम है। इस धरती पर भी उसका स्वर्गीय जीवन शुरू हो जाता है। उसकी बरकतें, उसकी आत्मिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक बरकतें उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती जब वो परमेश्वर को मानता है। इसीलिए कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। पौलुस ने मन फिराने के बारे में कहा, पत्रस ने भी यही प्रीच किया कि मन फिराओ और लौट आओ, यानी रिकंसिडर योर सेल्फ, गो बैक, वहीं जाओ जहां से तुम बिलोंग करते थे, यानी परमेश्वर के पास। कंसीडर करो, अपने आप को जांचो और परखो, मलाल फील करो और वहीं चले जाओ, यानी यीशु मसीह के पास, और आगे से केयर करो। इसलिए परमेश्वर ने तौबा के लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज नहीं किया। एक तौबा को यूज किया गया कंपंक्शन, मलाल फील करना। एक तौबा को यूज किया टू केयर आफ्टरवर्ड्स, कि तौबा करने का मतलब यह है कि मलाल फील करो, पाप की गलती को मानो, उसको मलाल करके उसको छोड़ो, और देन केयर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद केयर करो। दोनों शब्दों को दोबारा पढ़ेंगे हम, जी 33:40, मेटा नियो, जिसका मतलब है रिकंसीडर, यानी अपने सोचो ध्यान से तुम क्या कर रहे हो और वापस चले जाओ, एंड कंपंक्शन, मोरली टू फील कंपंक्शन, यानी मलाल फील करो, और उसके बाद लिखा रिपेंट, यानी तौबा करो। और दो बार ये शब्द यूज, दो अलग अलग शब्द यूज किए गए नए नियम में रिपेंट के लिए। दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे मेटा मेलोमाय, जिसका मतलब है टू केयर आफ्टरवर्ड्स, दैट्स इट, यानी पहले मलाल महसूस करो, गिल्टी फील करो, तौबा करो, देन तौबा करने के बाद केयर आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके बाद केयर करनी। जैसे गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट कर दिया जानबूझ के, तेज चला के गाड़ी पे डेंट पड़ गया, मलाल फील हुआ, अब मलाल करके क्या करना, गाड़ी ठीक कराना, और उसके बाद केयर आफ्टरवर्ड्स, गाड़ी फिर तेज नहीं चलाना। उसी तरह इसलिए बोला गया, मैंने आपको सिदकिया राजा इसलिए पढ़ाया, जब आप तौबा में नहीं होते, मोस्टली आप फेक लोगों की संगति में चले जाते, फेक प्रॉफिट्स, फेक लोग, फेक विश्वासी, गलत संगति में आप चले, ये तौबा ना होने की निशानी। जब आप तौबा में नहीं होते, सडनली आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होती जिनको आत्मिक चीजों की परवाह नहीं, जो आशीष लेना चाहते, बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएं, दैट्स इट। उनको तौबा से कोई मतलब नहीं, अपने लोगों की तौबा से कोई मतलब नहीं, अपने करैक्टर से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते या नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब है तो ब्लेसिंग्स के साथ, जो सिदकिया राजा के साथ हुआ। जब आप तौबा में नहीं होते तो बाइबल कहती परमेश्वर ऐसी आत्मा को भेजता है कि जो अपने झूठे नबियों से झूठ बुलवा के लोगों को झूठा तसल्ली और झूठा सहारा देती और उनको विनाश की ओर लेके जाती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और तुझे धोखा कभी नहीं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है। आप जानते हैं परमेश्वर कत्ल भी करता है, वो धोखा भी देता है। क्यों? अगर आप, परमेश्वर ने कहा तूने कत्ल किया तो मैं वही तेरे साथ करूंगा। अगर दाऊद ने कत्ल किया तो परमेश्वर ने कहा तलवार मैं तेरे घर पर चलाऊंगा। अगर दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने सजा दी।
सोचो एक बात ध्यान से, इसीलिए वो सिदकिया बेबीलोन के राजा के खिलाफ लड़ने लगा। उसे लगा यहोवा के नबी ने बड़ा अच्छा बोला है, क्योंकि वो राजाओं से पैसा चाहते थे कि दो चार प्रोफेसी मारेंगे, राजा जी गिफ्ट लेके आएंगे, ओके। लेकिन जो असली नबी थे वो उनको डायरेक्ट बात बताते थे, क्या चक्कर है तुम्हारा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। उनको लगता था ये हमारे खिलाफ ही बोलता है हर वक्त।